कांस्टेबल के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ आपको गाइड करूँगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान SI की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें समथिंग 330 पोस्ट हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट समथिंग 29 जनवरी की है। तो फ्रेंड्स, अभी समथिंग 1 मंथ है उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगा कि आप नोट्स बना लीजिए। किसी भी चीज़ के नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नोट्स बनाने से फ्रेंड्स आपका वो जो रिवीजन है कंटिन्यूटी रहती है। क्योंकि अगर एक बार रिवीजन का फ्लो जो अगर टूटता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपन यूँ सोचते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं, आज तो पढ़ लिया, फिर 2 दिन मतलब 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, तो उस ब्रेक से वो कंटिन्यूटी टूट जाती है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए और इस फ्लो को कंटिन्यू रखिए। तो राजस्थान, आप वैसे भी जानते ही हैं, राजस्थान SI एक पुलिस सर्विस की एक बहुत अच्छी पोस्ट है। उसको आपने अप्लाई किया है, जिसमें अभी 330 पोस्ट हैं। सो इसमें दो फेज है फ्रेंड्स। लिखित परीक्षा है, जिसमें दो फेज में एग्ज़ाम होना है, जिसमें फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम से फ्रेंड्स जिसमें है हिंदी का। तो हिंदी में 2 आवर्स का पेपर है, जिसमें समथिंग 100 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क है 200। तो 100 क्वेश्चंस मतलब 1 क्वेश्चन पर 2 नंबर। सो अपन को फ्रेंड्स हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में वर्ड, वर्ण एवं ध्वनि विचार, जिसमें मात्रा का ध्यान देना या ध्वनियों का वर्गीकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप अच्छे से ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो है संधि, संधि विच्छेद करना, समास, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द कहे जाते हैं, शब्द के प्रकारों पर ध्यान देना है, जैसे तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, जो देशी विदेशी, जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो हिंदी के हैं, ये हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इनके फ्रेंड्स अगर इनकी तैयारी करनी है तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले तो इनके बारे में कोई बेसिक हिंदी, जो हिंदी की नोट्स बुक होती है, जो छोटी हिंदी व्याकरण की बुक हो या आप कोई गाइड ले लीजिए।